दोस्तों, क्या आप भी आधार नंबर से पैन कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप की हेल्प से आधार नंबर से पैन कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदिल, आप देख रहे हैं टेक्निकल आदिल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस पर ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन अब ये प्रोसेस बदल गई है, इसलिए दोबारा मुझे बनानी पड़ रही है। लेकिन फ्रेंड्स, उसमें बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर मेरा ये डाउनलोड नहीं हो रहा है, आधार कार्ड आधार नंबर डालने पर डाउनलोड नहीं हो रहा है, नॉट अवेलेबल लिख कर आ रहा है, ये लिख कर आ रहा है, वो लिख कर आ रहा है, ये मुझे बहुत सारे कमेंट मिल रहे थे। तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ई फिलिंग वेबसाइट से फ्रेंड्स आधार नंबर से वही लोग अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे जिन्होंने ई फिलिंग वेबसाइट से अपना पैन कार्ड बनाया है, तो वही लोग आधार नंबर से अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, जो लोग फ्रेंड्स अगर आपने NSDL UTI के थ्रू अपना पैन कार्ड बनाया या बनवाया है, तो आप इसके थ्रू, ये वीडियो के थ्रू अपना पैन कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो आधार नंबर से पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पर आकर आपको सर्च करना है ई फिलिंग। आपके सामने नंबर फर्स्ट पर वेबसाइट आएगी, होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। अब यहां पर आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, शो मोर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इंस्टेंट ई पेन का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, चेक स्टेटस डाउनलोड पेन, यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप इस तरीके के पेज पर पहुँच जाएंगे, यहाँ पर आकर आपको आपका आधार कार्ड नंबर डाल देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर आपको डाल देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और जो OTP आएगा वो केवल 10 मिनट के लिए वैलिड होगा, तभी 10 मिनट के अंदर अंदर आप उस OTP को डाल दीजिए। अगर नहीं आता है तो रिसेंड OTP पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आपका OTP 3 बार गलत होता है तो आप इसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आपके सामने इस तरीके का पेज आ जाएगा, यहाँ पर लिख कर आ जाएगा व्यू ई पेन का, और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड ई पेन का, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड ई पेन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पैन कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा जो पैन कार्ड है डाउनलोड हो चुका है, तो यहाँ पर देखिए हम क्लिक करते हैं। अब आपसे ये देखिए फेल टू लोड PDF डॉक्यूमेंट, अगर आपके सामने इस तरीके से यूजर इंटरफेस आए तो आपको घबराना नहीं है, आपको फिर से जाकर डाउनलोड ई पेन पर क्लिक कर देना है, दोबारा से ये डाउनलोड होने लगेगा। तो आपके सामने देखिए इस तरीके से आपका पैन कार्ड आ जाएगा सामने, बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर नंबर लिखा होगा और आपका जो नाम वाम वो सब यहाँ पर लिखा होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।